दोस्तों आज के समय में क्रिकेट दुनिया के सबसे पसंदीदा खेलों में से एक है और ऐसे में क्रिकेट खिलाड़ी कमाई के मामले में भी किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? तो चलिए आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर से रूबरू करवाते हैं। सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रैना भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर शुमार हैं। आपको बता दें कि सुरेश रैना एडिडास, पेप्सी, बूस्ट, इंटेक्स और सीएट जैसे बड़े बड़े ब्रांड से जुड़े हैं और वह हर ब्रांड के प्रमोशन के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की डील साइन करते हैं। इसके अलावा वो आईपीएल और बीसीसीआई से सैलरी के जरिए भी हर साल काफी मोटी रकम कमाते हैं। इसके अलावा उनके गाजियाबाद वाले घर की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए बताई जाती है और उनके कार गैरेज में मर्सिडीज, मिनी कूपर, बीएमडब्ल्यू और पोर्स जैसी कारें मौजूद हैं। आज सुरेश रैना की नेटवर्थ करीब 172 करोड़ रुपए है। युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह क्रिकेट प्रेमियों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। युवराज ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि हाल ही में इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अपने करियर में इन्होंने काफी प्यार और नाम और शोहरत कमाई है। अगर इनकी सालाना इनकम की बात करें तो ये ब्रांड इंडोर्समेंट, बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी और आईपीएल से होने वाली कमाई सहित करीब 14 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। ऐसे में आज युवराज 175 करोड़ के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 9वें क्रिकेटर हैं। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और वो पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे तेज एक दिवसीय शतक लगाया था। शाहिद आफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ मात्र 37 बॉल में शतक जड़ दिया था। अपने क्रिकेट करियर में शाहिद आफरीदी ने काफी नाम और शोहरत कमाई और इसी की बदौलत वो आज दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में 8वें स्थान पर हैं। शाहिद आफरीदी के नेटवर्थ करीब 208 करोड़ रुपए है। शेन वाटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक बेहद जाना माना नाम है। हालांकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आईपीएल में वो अभी भी सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स में से एक हैं और आईपीएल में उनकी काफी अच्छी बोली लगती है। अपने सफल करियर के बदौलत शेन वाटसन ने सैलरी, ब्रांड इंडोर्समेंट और अपने इन्वेस्टमेंट से काफी मोटी रकम कमाते हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 245 करोड़ रुपए है, जिसके चलते वो आज भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। वीरेंद्र सहवाग, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे एग्रेसिव बैट्समैन में एक वीरेंद्र सहवाग ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। उनकी ट्रिपल सेंचुरी और तबाहतोड़ बल्लेबाजी ने उन्हें काफी नाम और शोहरत दी है। ऐसे में वो रिटायरमेंट के बाद भी काफी रिच लाइफ जी रहे हैं। वो न सिर्फ बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी और ब्रांड इंडोर्समेंट में मोटी कमाई करते हैं, बल्कि उनकी खुद की एक स्कूल और कई बिजनेस भी हैं। आज के समय में वीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ करीब 280 करोड़ रुपए है। ऐसे में वो दुनिया के 6वें सबसे अमीर क्रिकेटर्स हैं। शेन वॉर्न, पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स शेन वॉर्न की गिनती क्रिकेट की दुनिया में दिग्गजों में होती है। शेन वॉर्न ने अपनी 15 साल के क्रिकेट करियर में 1000 से भी ज्यादा विकेट चटकाए हैं और ऐसे में उन्होंने अपने समय में काफी नाम और शोहरत कमाई है, जिसके चलते वो आज भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में 5वें स्थान पर आते हैं। आपको बता दें कि शेन वॉर्न की नेटवर्थ करीब 350 करोड़ रुपए है। रिकी पोंटिंग, दोस्तों रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे फेमस खिलाड़ी और सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। हालांकि अब वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। अपनी इसी सफलता के दम पर उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाई। आज रिकी पोंटिंग की नेटवर्थ 454 करोड़ रुपए है, जबकि सैलरी और ब्रांड इंडोर्समेंट सहित सभी इनकम जोड़ के वो सालाना करीब 27 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं, जिसके चलते वो आज भी सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में 4थे स्थान पर शुमार हैं। विराट कोहली, कोहली का क्रिकेट की दुनिया में शानदार प्रदर्शन का दौर जारी है और इसी के चलते उन्हें प्रमोशन के लिए बड़े बड़े ब्रांड अप्रोच करते हैं। विराट कोहली इन दिनों इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जिनमें ऑडी, टी शर्ट, पूमा, उबर, हीरो जैसे ब्रांड शामिल हैं। सभी इंडोर्समेंट और बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी और आईपीएल की फीस को मिलाकर विराट सालाना करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं और आज के समय में हाईएस्ट पेड इंडियन क्रिकेटर भी हैं।
इसीलिए यहाँ से आज वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। आपको बता दें कि आज विराट कोहली की नेटवर्थ करीब 642 करोड़ रुपए है। एमएस धोनी, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और शानदार बैट्समैन एमएस धोनी हमेशा से ही अपने शानदार रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में रहे हैं। उसी के चलते धोनी हर साल इंडोर्समेंट, बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी को मिलाकर करीब 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये पेप्सी, रिबॉक, बूस्ट, गल्फ ऑयल, अशोक लेलैंड, बिग बाजार, टीवीएस मोटर्स, लेज वेफर्स जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। एमएस धोनी की नेटवर्थ 710 करोड़ रुपए है और ऐसे में वो आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर, दोस्तों सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं और वो इसीलिए क्योंकि वो अपने क्रिकेट करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सचिन के पूरे करियर में कभी उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। आपको बता दें कि सचिन काफी बड़े बड़े ब्रांड जैसे यूनिसेफ, बीएमडब्ल्यू, एमआरएफ, अपोलो, सोनी स्पोर्ट्स, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। साथ ही अपने करियर में वो हाईएस्ट पेड क्रिकेटर भी रहे हैं। सचिन ब्रांड एंडोर्समेंट और बीसीसीआई की तरफ से सालाना करीब 20 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं, जबकि मुंबई के बांद्रा में स्थित घर सहित उनके पास 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। उनके गैराज में एक से बढ़कर एक कारें खड़ी है जिनमें फेरारी भी एक है। सचिन करीब 800 करोड़ रुपए के साथ दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों, आपको इन 10 क्रिकेटर में से आप किसके फैन हैं? आप उनका नाम जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।